तो अभी हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट अभी हम टेंट पिच करेंगे। और पता चला है कि कुछ तो आज रात भर कीर्तन है और कल कुछ तो बहुत बड़ा दिन है, तो नीचे जाते हैं मंदिर में और पता करते हैं कि है क्या। तो हमें पता चला कि कल पराशर ऋषि का जन्मदिन है, जो कि एक बहुत बड़ा दिन होता है, और दूर गांव से पराशर ऋषि की पालकी भी आती है। विनय विनय, वो देखो ऊपर। मिल्की वे आसमान में बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पराशर ऋषि अपने ऋषि गणों के साथ धरती पर उतर रहे हों। और आने वाले दिन की एक्साइटमेंट में पता ही नहीं चला कि कब सुबह भी हो गई। ओके, बहुत ही मस्त वाली सुबह हुई है, धुंधी धुंध है और मैं चल रहा हूँ घास पे नंगे पैर, क्योंकि सुबह सुबह की जो ओस गिरी होती है उस पर अगर आप नंगे पैर चलोगे ना यार, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। पर एनीवे, ब्रेकफास्ट का टाइम है और विनीत बना रहा है पास्ता। जैसे मैंने पराशर ऋषि के मंदिर में जब आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा इसकी बनावट पर। पगोड़ा शैली में बना यह मंदिर आर्किटेक्चरल मार्वल है, और इसका ये आर्किटेक्चर ही इसे भारत के सबसे यूनिक मंदिरों में से एक बनाता है। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर की दीवारों पर की गई बारीक कारीगरी आपको सच में हैरान कर देगी। ऐसी लोक मान्यता है कि 6 माह के बच्चे ने एक ही पेड़ की लकड़ी से इस मंदिर का निर्माण किया था, और बाद में मंडी के राजा राजा बान सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। अभी तो इतने कारीगर बचे भी नहीं है इस टाइप का जो काम कर सके। बहुत ही ज्यादा बारीकी है, बहुत ही ज्यादा। बड़े बड़े मंदिरों में जो है पंडित लोग पूजा करते हैं, आचार्य लोग पूजा करते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग पूजा करते हैं, लेकिन ये पहला ही मंदिर होगा हमारे भारतवर्ष में जहाँ पे ठाकुर लोग ही पूजा करते हैं। 8वीं 10वीं पीढ़ी से हम लोग सेवा देते आ रहे हैं, और ये पहला ही मंदिर है उत्तरी भारत का जहाँ 8 फुट में बर्फ में भी पुजारी लोग इधर रहते हैं। इसके कपाट कभी भी बंद नहीं किए जाते इस मंदिर के। जब महाभारत समाप्त हो गया था तो पराशर ऋषि हिमालय की तरफ निकल गए थे, तो घूमते घूमते इसी स्थल पे आके महर्षि पराशर ने 63,000 वर्ष घोर तपस्या की थी इसी जगह पे आके, और यहीं पे आके इन्होंने देह त्याग दिया था, शरीर त्याग दिया था अपना। अगर आप मंदिर को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये एक तरफ हल्का सा झुका लगेगा। ये काफी एविडेंट है जब आप मंदिर के अंदर के पिलर्स को देखेंगे। कहा जाता है 1905 में जब हिमाचल में बहुत बड़ा भूकंप आया था तो कई मंदिरों को बहुत नुकसान हुआ था, पर इस मंदिर की बनावट इतनी मजबूत है कि ये आज भी खड़ा है बिल्कुल अविचल। ये
ओके, अभी हम लोग आए हैं बाहर और हम लोग परिक्रमा करेंगे झील की। और इस झील में ना एक्चुअली मछलियाँ भी हैं, तो आप जैसे देख रहे हो ये मछली के लिए फेंक रहे हैं, वो मुझे दिख नहीं रही है बट है यहाँ पे मछलियाँ। आपको दिखी मछली? दिखी? अरे मुझे ही नहीं दिख रही। बस जितना स्पेशल ये मंदिर है उतनी ही खास ये झील भी है। इतनी खास कि लोग यहाँ का पानी ही नहीं बल्कि यहाँ की काई तक घर ले जाते हैं। माना जाता है कि इस लेक का जो पानी है बहुत ही शुद्ध है, तो दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और स्नान करते हैं, फिर स्नान करने के बाद फ्रेश होकर पूजा के लिए जाते हैं, फिर इसका एक पूरी परिक्रमा करते हैं पूरे लेक की। और बोला जाता है कि परिक्रमा के बाद ही आपकी यात्रा पूरी होती है। ये जो द्वीप है अंदर झील के अंदर, ये हमेशा रोटेट करता रहता है। इसका कोई टाइम नहीं है कि कब कितना रोटेट करेगा, इट जस्ट हैपन्स ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से। कोई बोलता है मौसम के हिसाब से होता है, कोई बोलता है कि जब शांति यहाँ जितना ज़्यादा एकांत होता है तब अपनी मर्जी से घूमता है। तो आप कोई भी मौसम में आओ ये आपको अलग अलग जगह दिखेगा। तो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे क्योंकि आई थिंक पालकी आने का टाइम हो गया है। सो लेट्स सी, लेट्स हैव अ ग्रेट व्यू फ्रॉम देयर। धीरे धीरे लोगों का आना जाना शुरू हो रहा था। पालकी के दर्शन के लिए सब बड़े एक्साइटेड थे। वेट कर रहे हैं, पंडाल वहां से आएगा। देखिए आप लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगा था कि उनका रथ जो है ना वो नीचे से आएगा, बट मैं एक बार आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो ऊपर पहाड़ है ना, वहाँ पर मुझे बहुत जनता दिख रही है। आई एम श्योर कि वही लोग हैं जो आ रहे हैं। पराशर ऋषि के जन्मदिन में हजारों लोग आए थे। अंदर पूजा का माहौल था और बाहर सेलिब्रेशन। भारत के त्योहारों की एक खास बात है जो मुझे बहुत पसंद है कि कैसे ये लोगों को साथ लेके आता है। चाहे बच्चे हों, घर के बड़े हों या फिर जवान, पूरे परिवार को एक साथ लाने का जरिया है ये त्योहार। पंडित जी ने हमें कहा था कि रात को होने वाली देव खेल को बिल्कुल मिस मत करना, तो हम पहुंच गए। ये देव खेल देखने के लिए हिमाचल में दूर दूर से लोग आते हैं।
इतना रिलैक्सिंग, इतना कामिंग एक्सपीरियंस था कि आई हैड अमेजिंग स्लीप दैट नाइट। ओके, ब्रेकफास्ट हमारा बन रहा है मस्त, बन विद कॉफ़ी। अच्छा, ये जो अभी एक्चुअली ना यार बारिश हो रही है तो मैं बाहर आपको ले जा नहीं पा रहा हूँ, बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो वहाँ पर एक लंबी सी कतार आपको दिख रही होगी पहाड़ पे ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ना ये लास्ट एक पूजा होती है जिसमें एक लकीर बांधी जाती है, और अभी आने वाले 6 महीने तक कोई भी यहाँ पे देव कार्य नहीं किया जाता है, मतलब कोई भी त्यौहार वगैरह नहीं मनाया जाएगा। इसके बाद जो प्राचीन ऋषि की जो मूर्ति है वो वापस अपने गाँव चली जाती है। पराशर लेक इज वेल कनेक्टेड विद रोड, यहाँ पर आई थिंक बस भी आती है, और आपके पास आपकी गाड़ी है तो आप प्रॉपर ये नीचे ही जस्ट लाइक 500 मीटर नीचे ही गाड़ी पार्क होती है। तो आप पार्किंग से जैसे ऊपर जाएंगे तो आपको ऊपर चढ़ते 2 ढाबे दिख जाएंगे जहाँ पे तीनों टाइम का खाना मिलता है, और यहाँ पे रहने का भी बहुत अच्छा बंदोबस्त है। तो आपको टेंट चाहिए या रूम्स चाहिए बहुत इजीली अवेलेबल होंगे, और पास में ही एक अच्छा सा मेल फीमेल वेल मेंटेन्ड बाथरूम है। सो बेसिकली आपको यहाँ आना और रुकना बहुत कन्वीनियंट पड़ेगा। तो अगर आप पराशर लेक आए तो 4 चीज़ें आप ज़रूर करें। पहला, पराशर ऋषि के मंदिर में जाके पूजा करें, अर्चना करें, लेक की परिक्रमा करें। दूसरा, सुकास्टर लेक है यहाँ से 400-500 मीटर दूर, वहाँ भी जाएं, उसकी भी एक अलग स्टोरी है। तीसरा, कैंपिंग ज़रूर करें, यहाँ कैंपिंग नहीं की तो लाइक यू आर मिसिंग अलाउड। चौथा, मतलब बेस्ट पार्ट, जहाँ अभी मैं जा रहा हूँ उस टॉप व्यू पे जाएं, वहाँ से सनसेट ज़रूर देखें। फाइनली हम बढ़ रहे थे अपने ट्रिप के आखिरी पड़ाव की ओर, पराशर का सनसेट। हम उम्मीद में थे कि अगर मौसम साफ रहा तो सनसेट देख पाएंगे। लकी फॉर अस, इट डिड। दूर वैली में जब ढलते हुए सूरज की रोशनी गोल्डन से बैंगनी होती है ना, ट्रस्ट मी, इट लुक्स एपिक। पराशर का सनसेट इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट सनसेट आई हैव एवर सीन। आप जो फोटो में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, दैट्स ऑब्वियसली ब्यूटीफुल। उसका 20-25% और पकड़ लीजिए रियल में। विनीत वाज हैंडलिंग ड्रोन सो आई वाज जस्ट एंजॉयिंग द सनसेट। बारिश का टाइम है तो यूजली कोहरा रहता है, धुंध रहती है और नहीं दिखता है, बट फाइनली सनसेट देख लिया यार। अभी भी सनसेट बहुत सुंदर है, अभी बहुत सुंदर है। एक बात कहूं, ये फोन पे टीवी पे आप चीजें देख तो सकते हो पर महसूस तो आप तभी कर पाओगे जब आप खुद यहां आओगे। धूप सेकने के लिए बाहर तो आना ही पड़ता है ना, पानी देखने भर से प्यास कहाँ मिटती है। इस शो के एपिसोड्स के लिए हम कई जगहों पे गए, हर नई जगह की एक नई कहानी। तो बने रहिएगा क्योंकि हम जल्द लौटेंगे एक नई जगह एक नई कहानी के साथ।